आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ टिक्का बोटी और चिकन टिक्का बोटी। उसके लिए हमने बीफ लिया है 1.25 किलो। हमने 1 घंटे पहले इसमें पपीता पाउडर लगा के रखा था क्योंकि बीफ गलता नहीं इस वजह से। और 1 चम्मच हम अब डालेंगे इसके अंदर सारे मसालों के साथ। 1 चम्मच भर के हमने पहले डाल दिया था। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक पूरा 1 चम्मच भर के। ये टिक्का मसाला है जो हमने घर में बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी में कुछ दिनों के बाद डालूंगी। ये 2.5 चम्मच मैंने ये डाल दिया है ढोंगे वाला चम्मच। और 1 चम्मच मैं डालूंगी नींबू का अर्क। और ये है 2.5 आधी प्याली, छोटी प्याली है ये, देख सकते हैं इतनी इतनी खाली है। दही से ये होता है कि मसाले बोटी में अच्छे से चिपक जाते हैं। हसबे दाए का नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। 2 चम्मच हमने तेल डाला है इसमें। गर्म मिर्चें आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर इसमें ये करें कि इसके अंदर कूटी मिर्चें या पीसी मिर्चें आप डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी। ये भी 1.25 किलो है धोकर और इसको छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। 1 चम्मच लहसुन अदरक, दही, 1 छोटी प्याली, नींबू का अर्क 2 चम्मच और इसमें हम डालेंगे टिक्का मसाला होममेड, हमने 3 चम्मच डाले। हसबे दाए का नमक डालें। 1/2 चम्मच हम पपीता पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे इसमें। चिकन बोटी में हम कलर डालेंगे, हमने बीफ बोटी में नहीं डाला। इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब हम इसे सीखों पर लगा देंगे। इतने इतने फासले पर लगाएंगे। इतने फासले पर लगाएं ताकि ना अच्छे से ये सीख सके। एक सीख पर हमने लगा दिया, बाकियों पर भी इसी तरीके से हम लगा देंगे। तो चिकन की बोटियां भी अब हम लगा लेंगे। बाकी भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। हमने अंगीठी पर टिक्के लगा दिए हैं और इसको गत्ते की मदद से झलना है। आप चाहें तो छोटा पंखा भी लगा सकते हैं। और कपड़े की मदद से आप इस तरह से तेल, जिन जिन बोटियों को आप पलट रहे हैं उस पर तेल लगाते जाएं। कैसे चिकन टिक्का बोटी और बीफ टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी अपने घरों में इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।